अल्हम्दुलिल्लाह मियां एहसान अहमद बिन बम्बाज पीपी 168 रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। मियां एहसान अहमद और इनके बरादरान को अहले इलाका और हजरत मियां बदरदी बम्बाज रहमतुल्लाह के मुरीदैन की कसीर तादाद की तरफ से मुबारकबाद। अहले इलाका को मियां एहसान अहमद ने पैगाम दिया कि अगर इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने इज्जत बख्शी तो अपने इलाके की खिदमत इबादत समझकर करूंगा और इलेक्शन जीतने के बाद अपने घर का दरवाजा उतरवाने का भी ऐलान कर दिया और कहा कोई भी साइल दरवाजा खटखटाकर अंदर नहीं दाखिल होगा। 5 साल अवाम की खिदमत के लिए मैं अपने सहन में चारपाई पर बैठकर अवाम की खिदमत करूंगा। अहले इलाका के ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद और मियाँ एहसान के हक में नारेबाजी। शेखपुरा मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात एसपी आतिफ शहजाद के साथ ब्यूरो चीफ 47 न्यूज अली इमरान की खसूसी मुलाकात। दौरान मुलाकात गुफ्तगू के बाद फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए खूबसूरत अंदाज में ग्रुप फोटो। मुनशियात फरोख्त करने वाले 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। सांदा पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 3 मुनशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। बद्दाम ज़माना मुनशियात फरोश इफ्तखार उर्फ बबली सनी और आसिफ गिरफ्तार होने वालों में शामिल। मुलजिमान तालीमी इदारों बस अड्डा जात नहर किनारे होटल्स के गिर्दोनवाह में मुनशियात फरोख्त करते थे। मुलजिमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 24 किलोग्राम से जायद मुनशियात बरामद। मुकदमा दर्ज SHO आमिर शहजाद। मुनशियात जैसी लानत से शहर लाहौर को पाक किया जाएगा। एस पी इकबाल टाउन की SHO सांदा आमिर शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश। मुलाजमत के लिए जाने वाली लड़की को हरासा करने बाजू पकड़ने वाले मुलजिम के हाथ में हथकड़ी। शेरापुर पुलिस की कार्रवाई। शेरापुर पुलिस को लड़की को हरासा करने की 15 कॉल मौसूल हुई। SHO शेरापुर नासिर हमीद और पुलिस टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। निजी बस कंपनी में बतौर बस होस्टेस मुलाजमत करने वाली लड़की जोया को मुलजिम शहरोज अक्सर हरासा करता था। मुलजिम शहरोज ने मुलाजमत के लिए जाने वाली लड़की को हरास किया और जबरदस्ती लड़की का बाजू पकड़ा। खवातीन को हरासा करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुलजिम शहरोज के खिलाफ मुकदमा दर्ज खवालात में बंद। SP इकबाल टाउन की SHO शेराकोट नासिर हमीद और पुलिस टीम को शाबाश। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक याकूब की खबर शामिल करते हैं। बहावलपुर की तहसील यजमान में पाकिस्तान आयरन स्टोर से 2 मुसल्ला डाकू दुकान से असलहे के जोर पर 3 लाख लूट कर असलहा लहराते हुए आसानी के साथ मौका वारदात से फरार। यजमान पुलिस वारदात को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरियों ने DPO बहावलपुर से फौरन नोटिस लेकर बढ़ती हुई वारदातों पर काबू पाने के लिए इकदाम किए। मलिक याकूब ब्यूरो चीफ 47 न्यूज बहावलपुर। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ड्राइवन कैंपस की तरफ से सालाना तकरीब तकसीम इनामात प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। मेहर मोहम्मद नवीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस ड्राइवन का 7वां सालाना तकरीब तकसीम इनामात प्रोग्राम निजी इवेंट कॉम्प्लेक्स में मुनाकिद किया गया। सालाना तकसीम इनामात प्रोग्राम में यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के हेड शाहिद अकबर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकसीम इनामात प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ और दिलचस्प टैबलो पेश किए। तकसीम इनामात प्रोग्राम में शहर के सियासी समाजी शख्सियात सहाफियों और मजहबी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में सालाना इम्तिहानी नतायज में पोजिशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। प्रोग्राम में अच्छी कारकर्दगी के हामिल टीचर्स को यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस की तरफ से अवार्ड से नवाजा गया। तकसीम इनामात प्रोग्राम प्रिंसिपल यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस इनामुर रहमान ने तालीम की ज़रूरत और अहमियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर तालिबे इल्म कामयाब हो सकता है अगर इसे साजगार माहौल मुयस्सर हो, वो वक्त ज़ाया किए बगैर पूरी लगन और मेहनत से अपने तालीमी फ़राइज़ सर अंजाम दे। आइए अपने बच्चों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कैंपस ड्राइविन में एडमिशन करवाएँ ताकि आने वाले कल को यही बच्चे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। SP कैंट अवैस शफीक की हदायत पर फैक्ट्री एरिया पुलिस ने कम्युनिटी सेफ्टी पुलिसिंग की मसाल कायम कर दी। दौरान गश्त पुलिस को रोता हुआ लावारिस बच्चा मिला जो अपना नाम अब्दुल मतीन बताता था। बच्चे के वालिदैन की तलाश के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया कैमरे ऐलानात वायरलेस कॉल से मदद हासिल की गई।
छह घंटों के काविज से SHO फैक्ट्री एरिया वजीहुल हसन ने टीम के हमरा बच्चे के वालिदैन को तलाश कर लिया। बच्चे के बाहिफाजत मिलने पर वालिदैन ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया और दुआएं दी। जराइम कंट्रोल करने के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग को भी फरोग किया जा रहा है। SP KEN अवैध शफी।